टीचर पहले भी बन चुकी हूँ, AMI शिशु मंदिर में पढ़ाया मैंने। द्रविण ताई उस वक्त प्रिंसिपल थी और इमरजेंसी का समय था, उस वक्त मैंने वहाँ टीचिंग जॉब किया है 2-3 साल तक। और आज मुझे बच्चों के बीच में आकर बहुत खुशी हुई और मैं बताना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार उनके निर्देशन पर स्कूल शिक्षा विभाग ने मिल बाँचो मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की है आज से। और इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि सभी स्तर के, चाहे वो पार्षद हों या जो और ऊपर हम सांसद विधायक मंत्री सब हों, प्रशासन में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो उनके लिए भी आग्रह किया था, और सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनसे भी आग्रह किया था, जिसकी जो रुचि है जाना चाहे तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और स्कूल में मिल बाँचे मध्य प्रदेश में हिस्सा ले। आज बच्चों के बीच में इस योजना के तहत मुझे आना हुआ, बच्चों से मैंने कुछ पाठ की रीडिंग कराई और कुछ शब्द लिखने के लिए भी दिए, और बच्चों ने ठीक लिखे हैं लेकिन कुछ ने गलत भी लिखे हैं। और बीच बीच में अब इस विद्यालय से मैं जुड़ी हूँ तो चाहूँगी कि निरंतर जब भी मुझे समय मिले मैं विद्यालय में आऊँ, यहाँ पर बच्चों के साथ रूबरू हूँ। बच्चों को कंप्यूटर का उन्होंने कहा है, यहाँ 8th से शुरू होता है बच्चों की कंप्यूटर की क्लासेस, तो उन्होंने कहा है कि वो 6th भी बच्चे काफ़ी ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो चाहते हैं 6th। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा के लिए बच्चों को कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ये हम सब जानते हैं, शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सरकार बच्चों के लिए गणवेश है, साइकिल है, पुस्तकें हैं, और गांव की बेटी योजना पुस्तकें हैं और गांव की बेटी योजना है। बच्चे जो गांव से सुदूर गांव से यहां शहर में पढ़ने आते हैं उनके लिए छात्रावास की निशुल्क छात्रावास की व्यवस्था कराना है, कैरियर काउंसलिंग का कार्य है, ये सारे। और दूसरी बात, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं लेकिन उनके बच्चे टैलेंटेड हैं, पढ़े अच्छे हैं और आगे वो पढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तो सरकार ने कहा है कि अर्थाभाव मतलब पैसे की कमी उनके इस उसमें आड़े नहीं आएगी। सरकार, मैं कहना चाहूँगा कि जो मिल बाँचे अभियान में ये प्रयास है ये बहुत सराहनीय है, और इसके माध्यम से जो एक झिझक रहती है जो वरिष्ठों को स्कूलों के साथ जुड़ने की, वो ख़त्म होगी, और जो वरिष्ठ सभी चाहे अधिकारी वर्ग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे सोशल सर्विस से जुड़े हुए व्यक्ति हों, सभी लोग स्कूल में कहीं ना कहीं आप वापस जाकर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट और मदद और सहयोग करना चाहते हैं। इसके माध्यम से वो झिझक जा रही है और वाकई में अच्छा लग रहा है, और बच्चों को लिए भी एक प्रोत्साहन है कि जो उनके स्कूल में कोई आकर उसमें उनको साथ मिलके उनसे बात करे, उनकी बात सुने, उनको पढ़ाने में मदद करे और सहयोग करे, तो बच्चों के लिए भी ये वाकई में छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और हमें एक मौका मिला है कि हम स्कूल के साथ जुड़ के बिल्कुल नीचे तक की बातें बच्चों से पूछ पाएँ और जान पाएँ कि उनके मन में क्या है और हम कैसे शिक्षा में और सुधार ला सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको टैबलेट्स भी दिए गए, उनको दिखाया गया टैबलेट से क्या-क्या चीजें सीख सकते हैं। हाँ, मेरा कहना है कि क्योंकि ये साइंस का युग है और IT का युग है, अगर हमारे बच्चे IT और साइंस से दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट सकते हैं, और कोशिश की गई है कि सहयोग के से हम अभी हमें 100 टैबलेट प्राप्त हुई है, और सहयोग के लिए हम बाकी संस्थाओं से भी संपर्क कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर स्कूल में एक ऐसा कम से कम टैबलेट या लैपटॉप हो और हर बच्चे को उसको बिना किसी डर उसको टच करने का, उस पर काम करने का और अपनी उंगली लगाने का, जिसमें हम कह रहे हैं कि ईच वन टच वन, तो हर बच्चा जो कि गरीब बच्चे ज़्यादातर हमारे शासकीय स्कूलों में रहते हैं, जिनको उनके साथ कभी खुलकर उसको टच करने का, उसको काम करने का मौका नहीं मिल पाता, और मुझे लगता है कि उससे ना सिर्फ उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उनकी झिझक खत्म होगी और उनका साइंस और IT के प्रति एक जागरूकता भी उनकी बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हमने काफ़ी